पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मंगलवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि मैं यहां केवल एक राज्यपाल के रूप में नहीं बल्कि मित्रहीन गरीबों के मित्र के रूप में हूं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने कहा कि बंगाल में हिंसा अपवाद के बजाय एक आदर्श बन गई है, जिसमें जिम्मेदारी राज्य की है, गृहमंत्री की है। राज्यपाल के रूप में ये देखना मेरा संवैधानिक कर्तव्य है कि किसी के जीवन के अधिकार से छेड़छाड़ ना हो। राज्यपाल के रूप में मैं आपको आश्वासन देता हूं कि संविधान और लोगों के अधिकारों की रक्षा की जानी चाहिए। पश्चिम बंगाल के अधिकांश हिस्सों में सबसे ज्यादा मुर्गों की हत्याएं देखी गई, प्रभावी कदम उठाए जाने की जरूरत है। इज हैपनिंग इन द फील्ड। आई एम हियर नॉट ओनली as a governor, but also as a friend of the unfriended poor, I will stand by the people in their hour of distress. I find it's a very dismal situation in many parts of Bengal now. Money power, political power, governmental power, brute power, it's a heady cocktail. As I once said, the Molotov cocktails. This is a kind of MB cocktail, which is marring the situation in Bengal. Violence has become a norm rather than an exception. The responsibility for this lies squarely on the Home Minister, the Police Minister and the Police. It is up to the authorities, the government, to ensure that the life of the citizens is protected. As Governor, it's my constitutional duty to see that the fundamental right to living is not tampered with by political forces. New videos की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें इंडियन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। ये है इंदू ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच।